इस साल जिन बच्चों की 12th कंप्लीट हुई है या जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं जिन्हें नीट और जेई का एग्जाम देना है, वो ये सोच के दुखी हैं कि उन्हें कॉलेज कब मिलेगा। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मैं, हम लोग ये सोच के दुखी हैं कि हमारा कॉलेज कब खत्म होगा। तो परेशान सारे हैं, पर मेन मुद्दा है कि एग्जाम सितंबर में होने चाहिए या फिर से पोस्टपोन हो जाने चाहिए, और क्या इन सबका कोई सोल्यूशन है। तो आज की वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी। तो आप लोगों ने अब तक सुन ही लिया होगा कि 11 बच्चे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हैं और उन्होंने अपील की है कि जब तक ये कोरोना मेस ओवर ना हो तब तक एग्जाम ना लिए जाएं। तो यार इससे ना क्या हो रहा है कि आप लोग भी बहुत परेशान हो रहे हो और जो हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हम भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। कभी कहते हैं एग्जाम होंगे, कभी कहते हैं नहीं होंगे, कभी कैंसिल, कभी पोस्टपोन। तो इस सबसे क्या हो रहा है, मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता ये कोरोना मेस कब खत्म होगा। तो क्या बच्चों का एकेडमिक सेशन इस तरह से हमें बर्बाद कर देना चाहिए? तो मैं ये नहीं कह रही कि सितंबर में सब बच्चों को सेंटर पे बुलाओ और उनका एग्जाम लो, पर मैं ये कह रही हूँ कि हमें पेन पेपर मोड में ही क्यों लेना एग्जाम, हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्शन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। सब कुछ तो ऑनलाइन होता है, नीट का फॉर्म भरते हो ऑनलाइन होता है पूरा, एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन आता है, और अब तो कोरोना के बाद से एजुकेशन भी सारी ऑनलाइन हो गई। तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्शन पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं जानती हूँ उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं, तो मैंने उसके सॉल्यूशन भी सोचे हैं कि कैसे हम एक अच्छे से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम का सबसे बड़ा इशू ये बता रहे हैं कि हर बच्चे के पास फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, पर जिन बच्चों के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है उन्हें ये सुविधा दी जाए कि आप घर से ही बैठ के अपना एग्जाम दो ऑनलाइन वाला। इसमें क्या होगा कि चीटिंग बचाने के लिए कि बच्चा जो है अपनी वीडियो को ऑन रखे और अगर वो जरा सा भी इधर उधर देखता हुआ मिल गया ना, वहीं उसका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे तो बच्चा अपने आप चीटिंग नहीं करेगा। अब जिन बच्चों के पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उन्हें बुलाया जाए एग्जाम सेंटर, उनका भी ऑनलाइन एग्जाम हो और एग्जाम सेंटर ऐसा हो कि उनके घर के विदिन 5 किलोमीटर वो हो, ताकि वो इजिली पहुंच भी सके। उसमें क्या होगा, बच्चे कम हो जाएंगे कि आधे तो अपने घर से ही दे रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। नहीं तो एक और तरीका सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एग्जाम कराने का ये हो सकता है, एक दिन मत लो एग्जाम, भाई एक हफ्ता ले लो एग्जाम लेने के लिए। एक दिन में कुछ बच्चों का, दूसरे दिन कुछ बच्चों का, तीसरे दिन कुछ बच्चों का, ऐसे ले लो एग्जाम। अगर बच्चे कम होंगे तो इनका जो सर्वर है वो भी ओवरवेलम नहीं होगा और इजिली सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी। जितना पेपर डिले हो गया है ना, इतने में तो 10 नीट के एग्जाम मैं ही बना लेती। अब एग्जाम पेपर इन्हें सेट करने पड़ेंगे 10-12, ठीक है, जितने भी दिन में डिवाइड होगा तो उस हिसाब से करने पड़ेंगे सेट। अब कुछ बच्चों का कंसर्न हो सकता है इसमें, अगर मुझे इजी सेट मिला मुझे डिफिकल्ट सेट मिला, तो इस कंसर्न का भी सोल्यूशन है। तो एक एग्जाम होता है हमारे कॉलेज लेवल पे, गेट का एग्जाम होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ सेट इजी होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो वहां पे ना मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन की जाती है डिपेंडिंग ऑन दी सेट, तो वो स्कोर भी एड अप होता है, फिर फाइनल स्कोर बनता है। तो ऐसा कुछ क्या हम नीट और जेईई के लिए नहीं कर सकते, बजाय पोस्टपोन करने के अपने रिजिड रूल्स रखने के लिए कि ऑफलाइन ही लेना है और एक ही दिन लेना है। तो ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए और यही होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब इन्हें एक न्यू फॉर्म निकालना चाहिए जिसमें जेई और नीट के कैंडिडेट सिर्फ ये फील करें कि वो अपना ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, कि वो घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देंगे या उन्हें टेस्ट सेंटर वाली सुविधा चाहिए। तो जैसा रिस्पॉन्स आए उस हिसाब से बता दें कि किन किन डेट पे किस कैंडिडेट का एग्जाम होगा और किस सेंटर पे उसे आना है, तो ये सारी डिटेल्स दे देनी चाहिए। अब हम कोई नई डिमांड तो कर नहीं रहे, देश में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, जैसे DSSSB का है, गेट का है, नेट का एग्जाम है, तो नीट के लिए हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है तो हम यहाँ क्यों ये वाला मतलब स्टेप नहीं उठा रहे? इतना टाइम हो गया, सिर्फ हमें पोस्टपोन करना ही एक सोल्यूशन दिख रहा है इन चीजों का। तो मेरी तो यही समझ में आया कि अगर ऑनलाइन एग्जाम इस तरह से कंडक्ट करा लेंगे तो कोरोना मेस में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी, स्टूडेंट की लाइफ को कोई खतरा भी नहीं होगा और आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। क्योंकि सच में मेंटल टॉर्चर हो गया रोज रोज समझना सोचना एग्जाम होगा नहीं होगा कि क्या होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो और काम का लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना और मेरी हेल्प करो कि हायर अथॉरिटी तक पहुंचे यार ये सोल्यूशन।
क्योंकि यही है मेन सोल्यूशन। कोरोना में कब तक चलेगा किसी को भी नहीं पता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सो यही है जो मुझे समझ आया सिचुएशन को देख के कि किया जा सकता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।